दोस्तों, जॉयफुल स्टडी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग द्वारा पूछे गए 10 सवालों और उनके जवाबों के बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, इस बार का विषय है मध्य प्रदेश के पुरातात्विक स्थल। तो आइए साथियों, जानते हैं इस बार मध्य प्रदेश के पुरातात्विक स्थल के बारे में कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं और उनके उत्तर क्या हैं। साथियों, प्रथम प्रश्न है, भरहुत किस लिए प्रसिद्ध है? भरहुत किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए शुंगकालीन स्तूप, ऑप्शन बी गुप्तकालीन स्तूप, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए शुंगकालीन स्तूप। दोस्तों, जो भरहुत है ये मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, सती प्रथा के प्रमाण किस पुरातात्विक स्थल से मिलते हैं? सती प्रथा के प्रमाण किस पुरातात्विक स्थल से मिलते हैं? ऑप्शन ए कायथा, ऑप्शन बी एराडब्लिक, ऑप्शन सी सांची, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। मित्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी एरण अभिलेख। दोस्तों, एरण अभिलेख मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है। यहाँ पर 510 ईस्वी में गुप्तकालीन सती प्रथा के साक्ष्य मिलते हैं। कुछ का तीसरा प्रश्न है, कायथा पुरातात्विक स्थल की खोज का श्रेय किसे जाता है? कायथा पुरातात्विक की खोज का श्रेय किसे जाता है? ऑप्शन ए अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन बी वाई बी मजूमदार, ऑप्शन सी बी एस वाकाडकर, ऑप्शन डी आर पी सिंह। मित्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी बी एस वाकाडकर। दोस्तों, साथियों, चौथा प्रश्न है, आदमगढ़ मध्य प्रदेश के किस नदी के तट पर स्थित है? आदमगढ़ मध्य प्रदेश में किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए माही नदी, ऑप्शन बी काली सिंध नदी, ऑप्शन सी चंबल नदी, ऑप्शन डी नर्मदा नदी। साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी नर्मदा नदी। साथियों, आदमगढ़ जो है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, जबलपुर के निकट त्रिपुरी या तेवर किस वंश के राजाओं की राजधानी थी? जबलपुर के निकट त्रिपुरी या तेवर किस वंश के राजाओं की राजधानी थी? ऑप्शन ए गोंडवाना, ऑप्शन बी चंदेल, ऑप्शन सी कलचुरी और चेदी,
ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। मित्रों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी कलचुरी और चेदी वंश। साथियों छठवां प्रश्न है निम्न में से किस प्रागैतिहासिक स्थल को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। ऑप्शन ए भीमबेटिका, ऑप्शन बी आदमगढ़, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। मित्रों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए भीमबेटिका। दोस्तों भीमबेटिका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है और यूनेस्को द्वारा इसे वर्ष 2003 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। साथियों सातवां प्रश्न है खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिर किस वंश के राजाओं के शासनकाल में निर्मित किए गए थे। खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिर किस वंश के राजाओं के शासनकाल में निर्मित किए गए थे। ऑप्शन ए कुरुवंश, ऑप्शन बी परमार वंश, ऑप्शन सी चंदेल वंश, ऑप्शन डी राष्ट्रकूट वंश। साथियों जैसा कि आप जानते हैं खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेल राजाओं ने करवाया था, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी चंदेल वंश। आठवां प्रश्न है नागदा टोली से किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नागदा टोली से किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए ताम्रपाषाण, ऑप्शन बी पुरापाषाण, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। मित्रों इस प्रश्न का सही उत्तर है ताम्रपाषाण। जो नागदा टोली है ये मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में स्थित है। साथियों नौवां प्रश्न है पुरातात्विक स्थल पवाया कहाँ स्थित है। पुरातात्विक स्थल पवाया कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी जबलपुर, ऑप्शन सी मंदसौर, ऑप्शन डी ग्वालियर। मित्रों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी ग्वालियर। पवाया जो है ग्वालियर जिले में पार्वती नदी है उसके तट पर स्थित है। दोस्तों इस क्विज का दसवां और अंतिम प्रश्न है मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों में से एक देशनगर या विदिशा का उत्खनन किस वर्ष कराया गया था। ऑप्शन ए 1917-18, ऑप्शन बी 1915-16, ऑप्शन सी 1916-17, ऑप्शन डी 1913-14। साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी 1913-14। इस प्रकार से साथियों जो बेस नगर है या विदिशा है इसका उत्खनन 1913-14 में कराया गया था। मित्रों आपको वीडियो ठीक लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के बीच शेयर करें। धन्यवाद।